अस्सलामुअलैकुम दोस्तों दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको पांच अजीबोगरीब कपल्स के बारे में बताऊंगा। नंबर 5, एनालिसा एंड डेविड हैकलमैन। एनालिसा एक ऐसी लड़की है जिसकी कुछ अरसा बाद दाढ़ी उगाती है। एनालिसा जब छोटी थी तब वो किसी बीमारी की वजह से काफी बीमार रही और जब वो ठीक हुई तो इस बीमारी के बाद उसके चेहरे पर बाल उगने लगे। एनालिसा दिन में 2 बार उन बालों को साफ किया करती थी। लेजर ट्रीटमेंट का भी एनालिसा पर कोई असर ना हुआ। एनालिसा ने घर से बाहर निकलना भी छोड़ दिया और फिर एनालिसा की मुलाकात डेविड से हुई। डेविड को एनालिसा से प्यार हो गया और फिर डेविड ने एनालिसा को उसी हालत में कबूल कर लिया और तब से ही एनालिसा ने अपनी असलियत को कबूल कर लिया और फिर कभी अपने चेहरे के बाल साफ नहीं किए। डेविड और एनालिसा ने शादी कर ली और अब इनकी शादी को 7 साल गुजर चुके हैं। नंबर 4, पाओलो गैब्रियल डा सिल्वा एंड कटुसिया होशिनो। ये इस दुनिया का सबसे छोटा कपल है। इन दोनों को मिलाकर उनका कद 5 फुट 8 इंच है। इनके कद की वजह से उनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। कटुसिया का कद 2.93 फीट है और पाओलो का कद 2.9 फीट है। इन दोनों की मुलाकात सोशल मीडिया के जरिए हुई और फिर इन दोनों में प्यार हो गया। पहले तो कटुसिया ने पाओलो को घास तक नहीं डाली लेकिन बाद में वो मान गई और फिर 8 साल के रिलेशनशिप के बाद पाओलो और कैटुसिया ने शादी कर ली। ये कपल जब पब्लिक प्लेस में जाता है तो काफी लोग इनको देखते रह जाते हैं लेकिन ये दोनों इसकी परवाह नहीं करते क्योंकि ये दोनों अपनी जिंदगी में खुश हैं। मुस्तकबिल में उन्हें जिंदगी में बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा लेकिन इनका प्यार और साथ ही इन्हें इन मुश्किलात से निकालेगा। नंबर 3, जायला कूपर एंड जॉस क्रिक्स। सिर्फ हमारे मुल्क में ही नहीं बल्कि कई मुमालिक की गवर्नमेंट ने चाइल्ड मैरिजेस पर पाबंदी लगाई हुई है लेकिन 2009 में एक ऐसी शादी हुई जिसमें 2 बच्चों को शादी करने की इजाजत मिल गई। इन बच्चों का नाम जायला कूपर एंड जॉस क्रिक्स है। जायला को एक बीमारी थी जिसका नाम टर्मिनल ल्यूकीमिया था। इस बीमारी में मुब्तला लोग कुछ ही दिन के मेहमान होते हैं। जायला की ख्वाहिश थी कि इसकी खूब धूमधाम से शादी हो। जिस अस्पताल में जायला का इलाज जारी था उसी में 7 साला जॉस ग्रिक्स का इलाज भी जारी था जो उसी बीमारी में मुब्तला था जिसमें जायला थी। 9 साल की जायला ने जॉस ग्रिक्स से शादी करने की ख्वाहिश का इजहार किया तो उस लड़के के बाप ने इस शादी के लिए हाँ कर दी। उन दोनों ने अपने खानदान वालों और रिश्तेदारों के सामने बड़ी धूमधाम से शादी की जो कि एक तारीखी वाकया था। नंबर 2, निक एंड केन मिहारा। अगर आप इंटरनेट पर एक्टिव रहते हैं तो शायद आप निक के बारे में जानते ही होंगे। निक एक ऐसे इंसान हैं जो बिना हाथ पांव के पैदा हुए थे लेकिन उन्होंने अपनी नाकाबिले यकीन कामयाबियों से दुनिया को चौंका दिया। निक एक मोटिवेशनल स्पीकर हैं और फिर निक की मुलाकात एक दिन केन मिहारा से हुई। केन ने पहले भी कई लड़कों को डेट किया था लेकिन केन जिस शख्स में अपना शोहर तलाश कर रही थी वो तलाश निक पर आकर खत्म हुई। केन को लगा कि ये वही इंसान है जिसके साथ मुझे अपनी जिंदगी गुजारनी है। इसके बाद उन दोनों ने शादी कर ली। शादी में मौजूद लोग सोच रहे थे कि निक केन को अंगूठी कैसे पहनाएंगे लेकिन निक ने मुंह से अंगूठी पहनाकर सबकी उलझन सुलझा दी। नंबर 1, एंग्वेट फाई एंड एन क्वांग। प्यार अंधा होता है ये जुमला फिल्मों में सुनना जितना बेहतरीन लगता है क्या हकीकत में भी इतना ही कारगर है? जी हाँ, ये वीडियो देखने के बाद आपको यकीन हो जाएगा कि वाकई ही प्यार अंधा होता है। 5.5 फीट की एंग्वेट फाई नामी ये मॉडल सिर्फ 1 फीट के एन क्वांग से प्यार करती है और अगर आप ये सोचते हैं कि ये सिर्फ टाइम पास है तो आप एंग्वेट फाई के सोशल मीडिया अकाउंट पर इन दोनों की तस्वीर देख सकते हैं जिन्हें देख कर आपको पता चल जाएगा कि ये दोनों अपने रिश्ते को लेकर कितना ज्यादा सीरियस है। ज्यादातर ये दोनों साथ साथ ही दिखते हैं। एक तस्वीर में तो एंग्वेट फाई एन को बैग पर बिठाकर ले जाती हुई दिखाई दे रही है। अब ये प्यार है या पब्लिसिटी स्टंट ये तो वक्त ही बताएगा। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक करें और इसके मुतालिक कोई राय या सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। शुक्रिया।